नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आर टुडेज सेशन तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और जो भी 25 फाइव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी सॉल्व कर दूँ क्या इसका पी आप लोग को मिलेगा तो बिल्कुल इसका पी आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा ठीक है My name is अंतरा बुयान एन आई टी टीच लाइव ऑन अनएकेडमी प्लास प्लेटफॉर्म अगर आप मेरे कोर्सेस को फ्री एक्सेस करना चाहते हो तो फिर आप मेरे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो आई टेक स्पेशल क्लासेस एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग एट 10 एम तो आप लोग अनएकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके इन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो बहुत सारे आपके फ्री कोर्सेस भी अवेलेबल है जिसके लिए आपको ऐप में मेरा नाम सर्च करना है आपको नीचे स्क्रॉल बार में दिख रहा होगा ए एन टी ए आर ए बी एच यू वाई ए एन इस कोड को आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो जहां से आपको एक टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है और साथ ही साथ आप एस एस सी विंग में जितने सारे फैकल्टीज है और जितने सारे यूट्यूब चैनल्स है आप सबके क्लासेस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो बीट फॉर जी एस बीट फॉर रीजनिंग या फिर चाहे आपके मैथ्स और इंग्लिश की बात हो फिर चाहे वो प्री के लिए हो या फिर चाहे वो टीयर टू के लिए हो सीजियल मेन्स के लिए टीयर टू के लिए आप पेपर लिखने जा रहे हो आपको सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना हो एवरी थिंग दैट इज अवेलेबल ऑन दी एस एस सी प्लेटफॉर्म आप उसे एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोज देख सकते हो पी डी एफ ऑटो डाउनलोड कर सकते हो क्लास के एक घंटे के बाद विद दी अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मूविंग अहेड पीडीएफ के लिए कौन सा चैनल रहेगा नमस्कार तो पी के लिए चैनल रहेगा अन एकेडमी एस एस एग्जाम्स इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस हर एक फैकल्टी का आप लोग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एसेस कर सकते हैं बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले से ही क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसलिए करना होता है फोर थाउजेंड स्टूडेंट लाइव प्लस क्लासेस को स्पेशल क्लासेस के रूप में अटेंड कर सकते हैं ओके okay? और अगर आप किसी भी फैकल्टी के स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो तो उसके बाद आप वहां से पी भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है आगे चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं आज आपका तारीख कौन सा है ट्वेल्थ ऑफ मे सो ट्वेल्थ ऑफ मे इज इंपॉर्टेंट फॉर वॉट ट्वेल्थ ऑफ मे किस लिए इंपॉर्टेंट है आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे 2020. ट्वेंटी ट्वेल्थ ऑफ मे को इंटरनेशनल नर्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न इंडियन हेल्थ केयर इज ह्यूज इंटरनेशनल नर्स डे का मैंशन कहाँ पे किया गया है ये जो वर्ड नर्स है ये जो वर्ड नर्स है ये

सी एफ टी आर आई मैंगो गेमिंग क्या आपको लगता है कि एक बार आपका कमेंट लोगों ने यहाँ पे पढ़ा नहीं है आप उसको कॉपी पेस्ट करके तब तक डालते रहेंगे जब तक इसका कोई एक रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल जाता है इसी को YouTube के भाषा में स्पैम कहा जाता है जब आप एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करते हो तब उसे स्पैम कहा जाता है विच इज एथिकली नॉट करेक्ट ओके आगे बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं जिंदगी में अपने आप के बलबूते आगे बढ़ते जाओगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आगे जाओगे दूसरों को गिरा के आगे जाओगे ना तो बहुत शॉर्ट टर्म होता है वो ठीक है चलो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है आगे बढ़ते हैं सी एफ टी आर आई डेवलॉप्स स्प्यूरना गॉर्डनट ग्राउंडनट चिक्की ये ग्राउंडनट चिक्की क्या होता है आप लोगों ने चिक्की खाया होगा सर्दियों में जो मूंगफली से बनता है उसमें गुड़ डाल के मूंगफली से बनता है खाया है किसी ने तो ये अभी इसमें स्पाइर्यूलिना का मिक्सचर कर दिया गया है क्यों इसके पीछे क्या रीजन है ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो ताकि इम्यूनिटी इंक्रीज हो इसीलिए इसमें स्पाइर्यूलिना का मिक्सचर किया जा रहा है अब सवाल आता है ये स्पाइरिना क्या होता है वॉट इज दिस दिस इज अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टेरिया साइनोबैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एलगे जिसे आपने पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर ब्लू ग्रीन एलगे साइनो बैक्टेरिया उसी को यहाँ पे ग्राउंडनट चिक्की में मिक्स किया जा रहा है क्या इसे पहले भी एज अ स्पेस फूड यूज किया जाता था एज अ स्पेस फूड क्योंकि वहाँ पे तो रोटी चावल दाल बहुत दिनों तक नहीं लेके जा सकते हो तो इसीलिए एज अ स्पेस फूड यूज किया जाता था एंड दिस इज वाई स्पायरोना ग्राउंड नट चिक्की आर वेरी इंपॉर्टेंट गोटरेट अंकित आनंद ठीक है तो ये होता है आपका स्पायलिना ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा अब रिसेंटली इसको किसने डेवलप किया है आपके एग्जाम में तो ये पूछा जाता है इसे डेवलप किया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सी एफ टी आर आई सी एफ टी आर आई का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका आपका कहाँ पे बेस्ड है ये इंस्टीट्यूट सो दिस इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन मैसूरू और इसने यहाँ पे स्पाइरना ग्राउंडनट चिक्की को बनाया है टू बूस्ट इम्यूनिटी फॉर द पीपल ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड नाइन्टीन दो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे तो हम लोग आगे चलते हैं मैसूरू बेस्ड है नेक्स्ट कम टू रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक कृषि कल्याण फी डिक्लेयर किया है तो रिसेंटली राजस्थान ने कृषि कल्याण फी यहाँ पे डिक्लेयर किया है ठीक है सबको अभी तो सिर्फ अभी तो सिर्फ बनाया ही है बाकी आगे देखिए क्या होता है है ना डिस्कवरी आज हुआ है मंडीज फार्मर्स ऑपोज दिस राजस्थान कृषि कल्याण फी तो किसने कौन सा स्टेट ने राजस्थान ने कृषि कल्याण फी कितने परसेंट इसको बताया है टू परसेंट फी विल बी कलेक्टेड टू परसेंट फी विल बी कलेक्टेड ये कहां डिपॉजिट किया जाएगा कृषक कल्याण कोष में इसे डिपॉजिट किया जाएगा जो किस काम का आएगा किस लिए इसके इसका उपयोग क्या होगा जो भी स्टेट के अंदर फार्मर्स है किसान है उनको बेनिफिट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने दो परसेंट का कृषि कल्याण फी लगाया है ठीक है ध्यान रहेगा तीसरा करेंट अफेयर नेक्स्ट चलते हैं वी हैव रिसेंटली बैन यूज ऑफ टीबी ड्रग्स ऑन क्रॉप्स ऐसा क्यों क्रॉप्स पे क्या टीबी ड्रग्स का यूज होता था ट्यूबर के ड्रग्स का क्या आप क्रॉप्स में मतलब जो भी आपने यहां पे खेती बाड़ी किया है उस पर आप यूज करते थे जी हाँ आप यूज करते थे वाई ऐसा क्यों क्यों इसको आप यहाँ पे यूज करते थे जहां पे और कोई ऑप्शन नहीं था क्रॉप्स का जहां पे और कोई मेडिकेशन नहीं था क्रॉप्स को बचाने के लिए वहां पे टीबी ड्रग का यूज किया जाता था फाइन तो बैन क्यों किया क्या रीजन है एक चीज़ होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बोल के एक चीज होता है मान लीजिए जिसको बचपन से डांट खाने का आदत हो जाता है तो वो डांट खा खा के ही मानता है वो नॉर्मल भाषा आम आदमी का भाषा समझ नहीं पाता है है कि नहीं उसी तरीके से अगर शरीर में बार बार आप एक एंटी बैक्टेरियल कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो अब ये बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा इससे वो भी रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा जब सही में इंसान को बीमार होगा जब सही में उसको इन ड्रग्स की जरूरत होगा तब वो ड्रग इसके शरीर में काम ही नहीं करेगा इसने पहले से इतना खा लिया है मेडिसिन कि अब इसके शरीर में मेडिसिन काम ही नहीं करेगा ये प्रॉब्लम है और ताकि ये अब इम्यून रेजिस्टेंट हो जाएगा अब इस पर फिर से नया मेडिसिन बनाना पड़ेगा जो इस इंसान पे काम करे सो दिस इज द प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन कमिटी आरसी अंदर द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी सी आई बी आर सी रिकमेंडेड द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या होता है टीबी ड्रग्स एंटीबायोटिक्स का नाम क्या है नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों टीबी ड्रग्स के नाम हैं ठीक है जिसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन काफी अगर कुछ और इलाज नहीं है तब यूज करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है बीन बैंड इसको बैन कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट कि इसका यूज क्रॉप में नहीं करना है इसका यूज क्रॉप में नहीं करना है जब भी कोई और इसका सल्यूशन हो तब आप किसी और चीज का यूज करें और क्रॉप पे टीबी ड्रग्स का यूज ना करें क्लियर है पूरा क्लियर है ये चीज क्या हुआ यहाँ पे तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम लोग फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स क्या है एलिजा बेस्ड टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पे एक ढूंढ के निकाला है एक यहाँ पे एलिजा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट ढूंढ के निकाला है क्या है वो टेस्ट पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यहाँ पे हैज डेवलप्ड एन इम्यूनोलॉजिकल एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोज एसे, दैट इज योर एलिजा टेस्ट इसको नॉर्मली आपने इससे पहले एड्स के लिए सुना होगा पर इसके अलावा और भी चीजों के लिए आपका इसका यूज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इवन इन द केस ऑफ डिटेक्टिंग द कोरोना वायरस इंफेक्शन भी आप इसका यूज कर सकते हैं इसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है उससे हम लोग एक एंटीबॉडी टेस्ट डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं जो कि कोविड इन्फेक्शन में भी मदद करेगा तो कोविड डिटेक्शन के लिए क्या हम एलिजा टेस्ट का यूज कर सकते हैं दिस इज वॉट इज द रिसर्च जो आज ही न्यूज में आया है हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी हमारे देश का डॉक्टर हर्षवर्धन इज द हेल्थ मिनिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूनियन एचआरडी एच आर डी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल लॉन्चेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए भरोसा नाम से यहाँ पे जो है रजिस्टर किया है यहाँ पे एक नया हेल्पलाइन निकाला है तो हेल्पलाइन नंबर कितना है 8046801010 ये आपका हेल्पलाइन नंबर यहां पे निकाला है किस लिए कॉग्निटिव इमोशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा इमोशनल रिहेबिलिटेशन के लिए यह नंबर निकाला है ठीक है नेक्स्ट आते हैं डीआरडीओ के बारे में डीआरडीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है क्या यूवी रेस सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग यूवी रेस से सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सैनिटाइज कर सकते हैं चीजों को अभी देखिए जितने सारे आप यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे होंगे वहां पे एल्कोहल सबसे मेजर कॉम्पोनेंट होगा मोस्ट ऑफ देम, है ना एल्कोहल सबसे मेजर कॉम्पोनेंट होगा क्या यूवी रेस का यूज किया जा सकता है देखते हैं डी जो कि हैदराबाद बेस्ड है ऑटोमेटेड कॉन्टेक्ट लेस्ट यूवीसी सैनिटाइजिंग कैबिनेट मान लीजिए ये एक कैबिनेट है जो कि ऑटोमेटिक कॉन्टेक्ट कैबिनेट है जहाँ पे आप सैनिटाइज कर सकते हैं जैसे मोबाइल फोन्स को आईपैड्स को लैपटॉप को करेंसी नोट को नोट तो लोग एक दूसरे को यहाँ पे हाथों से अपना देते हैं तो इसीलिए यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा देने का एक हो सकता है लेकिन अगर करेंसी नोट का यूज़ कर रहे तो उसको सैनिटाइज कैसे करेंगे तो ये यू रेस से यहाँ पर उसको सैनिटाइज किया जा सकता है सिमिलरली चेकबुक्स के जो लीफलेट्स होंगे जो चलांस होंगे पासबुक्स होंगे कोई भी कागज का टुकड़ा होगा इसको एक कैबिनेट जो कि यूवी रेस से किया हुआ है इसको आपका डीआरडीओ ने बना के निकाला है तो हो सकता है कि हम यूवी को भी यूवी रेस को भी एक आपका सैनिटाइजिंग के माध्यम से यूज कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब मनाते हैं आज तो 12 तारीख है आज हम लोग नर्स डे मनाते हैं ठीक है नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग इलेवेंथ ऑफ मे यानी कि कल मना रहे थे इलेवेंथ ऑफ मे को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं क्यों इसी दिन को मनाते हैं बिकॉज द इसी दिन एपीजे अब्दुल एपीजे ही इज तो द मिसाइल मैन यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी दिन क्या किया था पोखरान के अंदर पोखरान के अंदर न्यूज़पेपर का इशू मैं अभी बता रही हूं एक सेकेंड रुको पोखरान के अंदर सबसे पहला हम लोग का यहां पे न्यूक्लियर टेस्ट को कैरी आउट किया था ठीक है एक पोखरान आपका नेपाल में भी है ऑब्वियसली इंडिया नेपाल में जाके टेस्ट नहीं करेगा तो ये राजस्थान वाला पोखरान है ठीक है दी अंडरग्राउंड टेस्ट मार्क द कंट्रीज़ अराइवल ऑन द वर्ल्ड न्यूक्लियर स्टेज एंड सेट द स्क्रीन फॉर सम इम्प्रेसिव डेवलपमेंट्स इन इट स्ट्रेटजिक प्रोग्राम तो ऑफ़ 1998 को जो है हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया इस न्यूक्लियर टेस्ट को हमने पे कंडक्ट किया राजस्थान के अंदर पोखरान में किनके समय में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रेसिडेंट थे उस समय में हमने इसको लॉन्च किया ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ फोर जी इंटरनेट सर्विसेस इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फोर जी इंटरनेट को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम ने यहाँ पे रिफ्यूज़ किया है क्योंकि एक तरफ यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न बताया गया है और दूसरे तरफ यहाँ पे कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए जो इतने सारे ऐप्स वगैरह उसको उसका सिचुएशन यहाँ पे बताया गया है तो दोनों के बीच का यहाँ पे ये यह आर्ग्यूमेंट है However, हमें यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दिस कैन बी अ प्रोबेबल न्यूज डायरेक्टली क्वेश्चन बनने का चांस थोड़ा कम है अच्छा तो ये थे करंट अफेयर्स अब देखेंगे 25 क्वेश्चन बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो शिवानी एस वाई आर यू स्टिल हियर क्या आप अभी भी सेशन को देख रहे हैं ये मैं जानना चाहूंगी आपसे और मैंगो uh, गेमिंग क्या आप अभी भी सेशन को देख रहे हैं ये मैं जानना चाहूंगी आपसे क्या आप दोनों लोग अभी भी सेशन को देख रहे हैं अगर हाँ तो मैं जानने के लिए बहुत खुश होंगी क्या आप लोग रेगुलर सेशंस को अच्छे से देख रहे हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं नो no? ठीक है चलो हाँ हा। आगे चलते हैं कोविड का सिचुएशन है भाईचारा से हमें रहना हमारा संविधान सिखाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहे ठीक है द सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस नाउ पच्चीस क्वेश्चन जैसे ही यहां पे पहला करेक्ट आंसर नजर आएगा आई विल स्टार्ट आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द फिल इन द ब्लैंक्स इन चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन मेड वॉटर वे निम्नलिखित में से कौन सा वॉटर वे चाइना में है और यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वॉटर वे है कौन सा वॉटर वे चाइना में है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वॉटर वे है ऑप्शन नंबर टू एंड थ्री रश्मि सिंह इज राइटिंग ऑप्शन नंबर फोर वेरी गुड सो ग्रैंड कैनल वेर इज योर ग्रैंड कैनल दिस इज इन चाइना एंड दिस इज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वाटर वे सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर फोर ओके आई गेस ओनली वन करेक्ट आंसर टिल हियर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे ग्रैंड कैनियन नहीं पूछा है ये ध्यान रखिएगा ग्रैंड कैनियन नहीं पूछा है ग्रैंड कैनल बोला है जो कि चाइना के अंदर है ठीक है एक और ये सेम नाम का इटली के अंदर भी है इटली के अंदर भी है ये पीडीएफ में रिटर्न वाला ही आपको प्रोवाइड करूंगी ग्रैंड कैनल चाइना में है एक और ग्रैंड कैनल आपको इटली में भी देखने को मिलता है इटली में भी है और जो आपका ग्रैंड कैनियन है ग्रैंड कैनियन ये आपका एक नेशनल पार्क है यह आपका एक नेशनल पार्क है जो कि एरिजोना में है एरिजोना में है या फिर एरिजोना में है यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे ख्याल से तीनों का डाउट अब क्लियर होगा आगे कभी ये डाउट आपको अराइज नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन वर्ल्ड रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव पूछते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछते हैं और उसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना वो आपको बिल्कुल पूछा जाएगा पेपर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बिल्कुल पूछे जाएंगे वॉट इज दिस नॉनेस डेप्रिसिएशन को किस डिप्रिसिएशन इज एन एलुअल अलाउंस फॉर दियर एंड टीयर ऑफ वेरी गुड इंड होगा तो लॉन्ग टर्म चीजों में होगा और जब भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात आता है तो लॉन्ग टर्म का मतलब कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है कैपिटल गुड्स रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे आंसर क्या होगा कैपिटल के गुड्स केस में आप डिप्रिसिएशन को पहले से ही कैलकुलेट करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं The headquarter of the BCCI in India are located in. इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है BCCI के सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया BCCI के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया और साथ ही साथ BCCI के हेडक्वार्टर के लोकेशन के बारे में भी पूछा गया तो क्या बनेगा इसका आंसर सभी लोग मुंबई लिख रहे हैं वेरी नाइस ऑल करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन मुंबई में है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रेसिडेंट कौन है सौरभ गांगुली एंड हु इज द सेक्रेटरी एनीबडी बताओ सेक्रेटरी ओके पूछा गया क्वेश्चन है ये भी बाकी शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा द साउदन गेट ऑफ क्वेत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई किसने बनाया था अलाई दरवाजा नाम में छुपा हुआ है जिसने बनाया था नाम में छुपा हुआ है अला आगे बताइए क्या होगा वेरी सिंपल वेरी गुड ऑल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर दैट इज अलाउद्दीन खिलची ने बनाया अलाई दरवाजा नाम में छुपा है हलदार देवांगन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चन आपने देखा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों से बहुत इजी क्वेश्चन है साइंस से इजी है इकोनॉमी से इजी है करंट अफेयर्स में और स्टैटिक में वास्ट टॉपिक्स है और एक से लेके दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आपने देखा है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एन सी बी सी वॉज फॉर्म्ड बाई इंजर्शन ऑफ आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सच क्वेश्चन ओके okay. जो हो सकता है आपने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले नहीं दिया हो बट जबी भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो या फिर अगर इसको बाद में ऐड किया गया हो या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी हो तो आपको यहां पे अपने आप से उसका आर्टिकल ध्यान रखना होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट बी टू इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज़ झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज तो झेलम और चेनाब का ज़्यादातर पानी इंडस में आगे मर्ज होने से ट्रिब्यूट करने से हम लोग नहीं रोकेंगे इस पानी को हम उधर जाने देंगे ये हमने कब साइन किया था यह हमने साइन किया था देखो ऑप्शन भी बहुत क्लोज नहीं है नाइनटीन सिक्सटीज़ के साथ एक ही डेट है सो द आंसर यर इज थ ऑफ सेमोजी है फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा आपने शुगर को वॉटर में डाला तो शुगर वाटर में पूरी तरीके से मिल जाएगा दिस इज नोन एज होमोजीनियस वही अगर आपने सेंड को वॉटर में डाला तो सेंड नीचे जमा रह जाएगा वाटर ऊपर अलग रह जाएगा तो ये एक हीटेजीनियस मिक्सचर हो जाएगा मतलब होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहता है हिटरोजीनियस में ऐसा नहीं रहता है तो इसको आप क्या कहते हो आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर एमलगम्स, एनजाइम सल्यूशंस और एम्यूलशंस तो इसको हम कहते हैं सल्यूशन फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन सॉल्ट सल्यूशन ऐसे भी याद रख सकते हो नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में लोकेटेड नहीं है अब इसमें से एक चीज तो आप देख के बता सकते हो तुरंत से महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सिक्वेंस जितने लोगों को पता है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तो महानदी तो होगा ही होगा ये तो बता सकते हो मयूरभुंज वेरी फेमस होगा ही होगा अब आता है संबलपुर भी कहाँ पे है ये भी आपका उड़ीसा में है वेरी सोनिकपुर एनी बडी हुनोज वेर इज होनितपुर आई थिंक मेरे प्रोनाउंसिएशन से भी आप गेस कर पा रहे हो गे कि होनीपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम ठीक है होनीपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम ये आपका तेजपुर में है ये तेजपुर में है तो ये आसाम में है बाकी सारे उड़ीसा में है सो विच इज नॉट थ्री इज आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइन इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का ओर नहीं है जहां से आप लोहे को निकालते हैं है। तो कौन सा नहीं देखो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ये आप बताइए बच्चा कौन हेमेटाइट को आप बहुत पहले से जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेंटिंग के लिए भी आप इसको यूज करते थे हेमेटाइट बेस्ड रॉक्स को आप पानी में ग्राइंड करके पानी में घोल के उसके बाद आप उसको यूज करते थे ठीक है तो वॉट इज क्यूप्राइट क्यूपराइट क्या चीज होता है दिस इज फॉर एनीबॉडी टेल मी फॉर क्विप क्यूपराइट एज द नेम इज इंडिकेटिंग यहां देखो सामने छुपा हुआ है जितने लोगों से आंसर नहीं बनता है कि सामने सी यू छुपा हुआ है तो ये किसके लिए बनेगा कॉपर के लिए बनेगा दिस इज एन ओर फॉर कॉपर बन गया इजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इंडियन आर्मी इज सेट टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर्स बाय द ईयर काफी समय तक ये डिबेट में था कि क्या हम आर्मी में वुमेन सोल्जर्स को पहला बैच यहाँ पे कमीशन कर सकते हैं क्योंकि अगर कभी वॉर वाला सिचुएशन हुआ क्या हम वुमेन को फोर्थ फ्रंट में रख सकते हैं ये काफी समय तक एक क्वेश्चन बना हुआ था बट नाउ द इंडियन आर्मी इज सेट टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर्स इन विच ईयर ट्वेंटी इक्कीस तक वी आर सेट टू कमीशन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडिया वोन इट्स फिलिंदर ब्लैंक्स सक्सेसिव टाइटल एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैम्पियनशिप इन मार्च टू थाउजेंड एंड इंडिया ने कौन से नंबर का नाउ डू यू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस वेन एवर आई से फोर्टीथ वाला फिफ्टीथ वाला या एडिशंस भी पूछे जा रहे ये मेरे ख्याल से टोटल तीन बार आपको सीजीएल के अंदर एडिशन पूछा थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट कम हो सकता है बट स्टिल ट्राई टू गेट एन आइडिया जैसे ही पढ़ते हैं जैसे मैंने प्रीवियस करेंट अफेयर्स जब भी मैं यहाँ पे आप, आप लोगों को करवा रही हूँ तो मैं उसके साथ साथ आपको कौन सा नंबर का है ये भी बताने का कोशिश कर रही हूँ अंकित आनंद लिख, लिख रहे हैं फिफ्थ एंड समर आंसरिंग ऑप्शन नंबर टू सो करेक्ट आंसर हियर इज बिल्कुल सही ये फिफ्थ एडिशन है ठीक है फिफ्थ एडिशन आपने यहाँ पे मनाया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ईयर पद्मा अवार्ड्स अराउंड क्या किस दिन अनाउंस किया जाता है ये अनाउंस किया जाता है आपके रिपब्लिक डे के दिन सरल है वन इज द करेक्ट आंसर पार्ट एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ वॉट पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फोर ए पार्ट फाइव एंड पार्ट सिक्स पार्ट सेवन वॉज द फर्स्ट वन टू बी रिपेल्ड जिसको हटाया उसके बाद पार्ट एट में कहा जाएगा मैंने आपको सभी याद करने का ट्रिक बता रखा है तो आप बढ़िया से याद कर सकते हैं कि सबसे पहला आप इमेजिन कीजिए पूरा देश मतलब क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फिर यहाँ लग रहने वाले लोग मतलब सिटीजनशिप फिर आप उनके हाथों में फंडामेंटल राइट्स दीजिए क्या वो ड्यूटी करेंगे बिल्कुल लेकिन पहले स्टेट को तो ड्यूटी करने दीजिए डी फिर फाइव पे आएगा यूनियन सिक्स पे आएगा स्टेट सेवन रिपल एट का आंसर बताइए वेरी गुड इट इज जब यूनियन हो गया जब स्टेट हो गया तो नेक्स्ट क्या आएगा यूनियन टेरिटरीज थ्री इज द करेक्ट आंसर ओके पंचायत कब आएगा पंचायत कौन सा नंबर वाला है दार्ट म्यूनिस्पैलिटीज नाइन ए स्टेट्स यहां दिख गया आपको पार्ट सिक्स नेक्स्ट पे आते डी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्री मेथड्स। इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड द ब्लैंक्स मेथड। जब भी हमने इकोनॉमी का क्लास किया है इकोनॉमी का प्लस कोर्स है पूरा उसमें से शुरुआत के चैप्टर्स में से ही ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग को यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस कैलकुलेट करना ही है तो उसके पीछे तीन मेथड्स रहता है वो तीन मेथड्स कौन कौन से हैं एक और क्या रह जाता है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड यू कैन कैलकुलेट बाई द इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड और दी प्रोडक्ट मेथड, ठीक है थोड़ी देर रिप्लाई ना करो तो अपने आप से समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ा रहे नहीं देखा <laughs> चलो अपने आप से सारे कमेंट्स यहाँ पे शांत हो जाता है बहुत बढ़िया क्या बात है अब पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ यहाँ पे आंसर आंसर कर रहे हैं वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रिमेन्स ऑफ फिलिंद ब्लैंक फाउंड नियर पटना इन बिहार वॉज इंस्क्राइब्ड एस दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन जुलाई 2016. निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को लिस्ट में आया है जुलाई 2016 को क्या इसका मतलब ये है कि 16 का भी पढ़ लेना है नहीं बात ये नहीं है बात यह है कि आपको यूनेस्को लिस्ट में इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या क्या है ये पता होना चाहिए और उसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट्स क्या है यह पता होना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज नालंदा महाविहार वेरी गुड जितने लोगों ने यहां पे टू पे गौरव राकेश विजेंद्र लोहित दिव्यांशु गुप्ता सुनील वर्मा रश्मि सिंह पायल रानी बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड बाई टू मिरस इंक्लाइंट वन ट्वेंटी डिग्री टू ईच अदर इज दो मिरर को एक दूसरे के साथ अगर 120 डिग्री में इंक्लाइन रखा यह क्वेश्चन यहाँ पे आ, आपका मिक्स हो गया तो इसमें टोटल कितने इमेजेस बनेंगे अगर आपने दो मिरर को एक दूसरे से 120 डिग्री में इंक्लाइन रखा दो मिरर्स को तो कितने इमेजेस बनेंगे ऑफ इच अदर दर विल बी टू इमेजेस नेक्स्ट में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजेनेशन रिएक्शन हाइड्रोजेनेशन रिएक्शन में आम निम्नलिखित में से किसे एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं सो यू हैव टू नो वॉट इज द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन फर्स्ट यू ट्राई टू गिव द आंसर एनीबडी हु नोज वॉट इज द करेक्ट आंसर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इट इज वेन यू यूज इट टू ट्रीट विथ हाइड्रोजन ओके वेन यू यूज इट टू ट्रीट विथ हाइड्रोजन तब आप इसे क्या कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इसमें आप कैटलिस्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें आप निकल यूज कर सकते हैं पेलाडियम यूज कर सकते हैं एज अ केटलिस्ट और प्लेटिनम प्लेटिनम ठीक है इनको आप एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं सो व्हाट विल बी आंसर ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज पैलेडियम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट में आते हैं दी गदर पार्टी आप लोग हिस्ट्री के क्लासेस में बहुत ही आराम से ये पढ़ लेते हैं द गदर पार्टी वॉज फॉर्मड इन विच ईयर गदर पार्टी कब बना था ये गदर एक प्रेम कथा वाला नहीं है ठीक है ये जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो सो so इनिशियली दो फेजेस है द फर्स्ट फेज हियर हैपेंड इन द ईयर 1913. जितने लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है जैसे आप लोग रिवोल्यूशनरी फेज में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद जैसे आप 1924 में काकोरी रॉबरी केस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और उसके बाद 1928 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बॉम्बिंग इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एच एस आर ए पढ़ते हो ये रिवोल्यूशनरी फेज टू था एक रिवोल्यूशनरी फेज वन भी था ये कब हुआ था ये इसी वक्त आपका हुआ था 1913 जिसमें से एक क्या है गदर ओके गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इसके प्रेसिडेंट कौन थे सोहन सिंह भाखना वस्ते प्रेसिडेंट और एक चीज यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा फॉर्म किसने किया था देन योर आंसर विल बी एक और यहां पे का लाला हरदयाल लाला हरदयाल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते ऑब्वियसली इन लंडन फिलिंद रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियन वाला बाघ मैसेकर किलिंग तो पहले आपका यहां पे रौलत एक्ट हुआ पसंद नहीं आया तो जलियन वाला बाग में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कुछ लोग तो उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था बोल के भी अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए थे लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ओपन फायर कर दिया जलियन वाला बाग में से कर तो ये पसंद नहीं आया और यहाँ पे सबसे पहले किन्न्होंने अपना नाइट छोड़ा था आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर सो टू इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द गोल्डन सिटी गोल्डन सिटी आप किसे कहते हैं गोल्डन सिटी आप कहते हैं जैसलमेर को जैसलमेर इज नोन एज द गोल्डन सिटी सिटी एंड इट्स नीक नेम से टॉपिक से दोबारा से क्वेश्चन पूछा नेम दर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछना तो था ही यह क्वेश्चन मैंने आपको हंड्रेड परसेंट बताया था कि आप देख लीजिएगा सिक्स करंट अफेयर सेशन हमने किए थे आई टोल यू कि ये क्वेश्चन जरूर बनेगा हंड्रेड परसेंट बनेगा फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर वन दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू आरिफ मोहम्मद खान ये भी तो पूछना था ही पर ये कहाँ के एनीबडी हु कैन टेल मी ये ऑलरेडी पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि आरिफ मोहम्मद खान कहाँ से बताइए कल कलिया परसों के शिफ्ट में ही आपको कलिया परसों जब हम लोग डिस्कस कर थे तभी पूछा था केरला ठीक है केरला नेक्स्ट आइए अच्छा इसका आंसर क्या था वन नेम फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट मतलब क्या यहाँ पे एक समय पे इनको आपका बहुत सारा इंसिडेंस इनके साथ हुआ था पर इसके बाद भी इन्होंने विथ अ स्पेशली एबल्ड फीचर इन्होंने क्या किया है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है शी शी ट्रेन से फेंक दिया गया था इसीलिए शी लॉस्ट हर लिम बट इवन आफ्टर दैट शी क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट नन अदर देन अरुणिमा सिन्हा वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी नेक्स्ट में आइए धर्मराज रथा या फिर युधिष्ठिर भीम रथ अर्जुन रथ आर फोर ऑफ दी पंच रथ एट महाबलीपुरम महाबलीपुरम के अंदर ये जो पांचवा रथ है इसका नाम क्या हो सकता है सब महाभारत सीरीज से नजर आ रहा है तो पांचवा रथ का नाम क्या हो सकता है नेम ऑफ द फिफ्थ रथ इज द्रौपदी रथा तो टू इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन अगेन एक क्या दो क्वेश्चन हो सकता है ना तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन है एक पहले देखा था आप लोगों ने और ये दूसरा वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते परस एनीमिया है तो एनीमिया ही ना इस कॉस्ड बाई द डेफिशिय विटामिन कौन से विटामिन की डेफिशियंसी से होता है तो यह होता है विटामिन बी ट्वेल्व के डेफिशियक्स्ट आइए हैदराबाद फंड हैज बीन हेल्ड बाय द फिल इन द अकाउंट ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू बी यूके जो हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान यूके में जिनको भेजा गया जिनका नाम क्या है हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला अब ये पूछा गया है कि हेल्ड बाय होम हैदराबाद फंड इज हेल्ड बाय विच पर्टिकुलर बैंक अगर यूके में है तो यूके का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए आप कौन सा टर्म यूज करते हैं ये बताइए वहां से आंसर निकल आएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है यूके से इंस्पायर्ड है एग्जाम से पहले हर साल हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे द आंसर हियर इज वेस्टमिंस्टर दिख रहा है नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक करेक्ट आंसर सो आई गेस डेट्स इट फॉर दुडेज सेशन यहाँ पे आपने देखा आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर एन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आस्ट इन सीजीएल टू थाउजेंड नाइनटीन तो आपको जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या एग्जैक्टली exactly पढ़ना है इन सेशन के मदद से आपको पता चलता रहेगा और साथ साथ यहाँ पे आप लोग पढ़ते रहिए ठीक है ऑल्सो नोट इसका पी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर तो उसका कोई डाउट नहीं है अब मैं ज़रा प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने वाली हूं अगर आप में से किसी को भी प्लस के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहां पे पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन नाउ लेटस्ट प्रोसीड टू द प्लस सब्सक्रिप्शन पेज लेट मी कीप दिस सो दैट ये लिखा हुआ के साथ आपके पास ये जाए अच्छा तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जैसे ही आप अनएकेडमी को प्रेस करते हैं जैसे ही आप एक यू ओपन कर लेंगे अनएकेडमी डॉट कॉम वहां पर आपको गोल सिलेक्ट करना है एस एस सी एग्जाम्स ठीक है गोल सिलेक्ट करना है यू हैव टू चूज अ गोल फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे एग्जाम्स है एस एस सी एन बैंक एग्जाम रेलवे एग्जाम डिफेंस जेईई तो इस तरीके से यहां से आपको एस एस सी एग्जामिनेशन पे क्लिक कर लेना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस गेट सब्सक्रिप्शन इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट जो निकलता है गेट सब्सक्रिप्शन में वो निकलता है ट्वेंटी फोर मंथ्स वाले में क्योंकि अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ्स वाले में टिक करते हैं तो फिर आप यहाँ पे एक रेफरल कोड लगा सकते हैं ए एन टी ए आर ए वन जीरो अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो फिर आपका टोटल प्राइस यहाँ पे सिक्स फोर एट जीरो बन जाता है मतलब दो साल का फीस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का प्री और मेन्स अनकेडमी में जितने भी प्लस क्लासेस है उन सबको पढ़ने का दो साल का फीस सिक्स फोर एट जीरो बनता है मतलब एक साल का तीन हजार के आसपास आपका यहाँ पे फीस बना जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं सबके रिकॉर्डेड वीडियोज देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं मतलब दो साल के लिए पूरा यहाँ पे आप एनरोल्ड हो जाते हैं ठीक है फिर आपको प्रोसीड टू पे करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ई एड्रेस एंटर करके यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन एंड टिल ट्वेल्थ ऑफ मे आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ट्वेल्थ मे 2022 तक आप पूरा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते सो आई होप दिस इज क्लियर एज ऑफ नाउ आई हैव सिक्स करेंट बैचेस बहुत सारे पुराने बैचेस उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे नए बैचेस आने वाले समय में भी आएगा थैंक यू सो मच एवरीवान फॉर ज्वाइनिंग मी लाइफ अगर आप प्लस लेते हैं तो वहां पर मिलते हैं और डिटेल्ड और एक क्लोज प्लेटफॉर्म का ब्यूटी ये होता है कि वहां पर आप अपने जेन्युन डाउट्स को बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं लाइफ चैट्स हर एक क्लास के बीच में जिसमें सबको सबका कमेंट दिखता है इस तरीके का लाइफ चैट आप कर सकते हैं ठीक है सो दैट्स इट आई होप दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू आराम से घर पे बैठ के लैपटॉप से और फोन से पढ़ाई करें ठीक है टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ट बाय